यूपी के गोरखपुर पुलिस ने जेल में बंद अमरजीत यादव के नाम पर एक व्यापारी से रंगदारी मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल पिछले दो दिनों से व्यापारी देवनाथ के मोबाइल पर धमकी भरा फोन आ रहा था। फोन करने वाले ने अपना नाम अमरजीत बताकर 5 लाख की रंगदारी मांगे जाने से भयभीत व्यापारी ने SSP से मिलकर सारी बात बताई और वह नंबर दिया जिससे रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन आ रहे थे। वही SSP ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए SP दक्षिणी के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की जांच व आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वही छानबीन के दौरान 24 घंटे के अंदर ही रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने मजाकिया लहजे में फोन करते हुए रंगदारी की बात कही थी और बार बार फोन कर व्यापारी को परेशान कर रहा था। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। पीसी कराई गई है कल दिनांक 2 को पूर्वान मेरे पास श्री देवनाथ जी आए और उन्होंने बताया कि उनसे किसी ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और जो मांगी गई है वो एक बदमाश है अमरजीत उसके नाम पर और ये नंबर है। मैंने पहली बात इन्हें आश्वस्त किया कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप फ़ोन उठाइए और उससे बात करते रहिए। उसके बाद मैंने SO खजनी से कहा, स्वयं भी लगा और SWAT टीम को भी बताया, कप्तान साहब को संज्ञान में दिया गया, तुरंत कॉल डिटेल निकाली गई। इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है संदीप की, इन्होंने शरारत की है, इन्होंने रंगदारी मांगने के बाद स्वीकार की है, इन्होंने फर्जी सिम प्राप्त किया है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हो रही है, अग्रिम विवेचना तथा कार्रवाई अपेक्षित है और मेरे द्वारा इसमें दिशा निर्देश SO को जारी कर दिया गया है, कार्रवाई कराई जा रही है। सर इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, ये किस पार्टी से संलिप्त है, किस पार्टी के सदस्य? हम कभी किसी पार्टी लेवल पे ना बात करते हैं ना काम करते हैं, मैं क्रिमिनल पे बात करता हूँ, हम क्राइम पे बात करते हैं, हम क्राइम पे काम करते हैं, हम क्रिमिनल पे काम करते हैं, मैं कभी पार्टी बेसिस पे कोई कार्य नहीं। कोई आपराधिक इतिहास अभी तक तो उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, ये शुरुआत है। क्या करते हैं? अभी इन्होंने बताया कि मैं तो साहब गाड़ी उड़ी चलाता हूँ, कभी किसी की गाड़ी मिल के चलाता हूँ, ये बताया है।